हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ वापस। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एकांश के सभी फैंस के लिए, इसीलिए वीडियो को स्किप करने के बारे में सोचना भी मत, वरना एकांश को हमेशा के लिए बाय कहना पड़ेगा और फिर मत बोलना एकांश कब आएगा। इसीलिए वीडियो को 2 मिनट टाइम देकर पूरा देख लो ताकि रीजन समझ में आए। जब एकांश नया नया कार्टून नेटवर्क में लॉन्च हुआ था तब एकांश के कुछ ही महीने में टीआरपी आसमान छूने लगा था। टीआरपी मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, जहां से किसी भी शो का रियल टाइम ऑडियंस को दिखाता है, जिसके कारण एकांश के लगातार न्यू मूवीज एंड एपिसोड आने लगे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि एकांश फैंस काम होने लगे, लेकिन जब फिर से एकांश डिस्कवरी किड्स पर आया तब एकांश के टीआरपी ठीक ठाक मेंटेन था। लेकिन हाल ही में यानी कि 2024 में एकांश का टीआरपी बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, जिसके चलते इनको एकांश को मंडे टू फ्राइडे बंद करना पड़ा। अब तो लगता है ये लोग सैटरडे और संडे का भी बंद कर देंगे। अब इसका मेन रीजन क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। आप लोग एकांश के एपिसोड्स एंड मूवीज यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म्स में अपलोड कर रहे हो, जिससे एकांश शो पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण एकांश का टीआरपी डाउन हो गया है। आप बताओ, अगर आप एकांश के सभी मूवीज एंड एपिसोड यूट्यूब पर ही देखने को मिलेगा तो आप बेकार में टीवी में क्यों देखोगे, और अगर आप टीवी में नहीं देखोगे तो टीआरपी कैसे बढ़ेगा। अगर मेकर्स को ही प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो लोग नया कहाँ से लाएगा, और हर जगह फ्री में अवेलेबल होंगे तो लॉस तो मेकर्स का ही होगा ना, और अपलोड करके आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला, उल्टा आपका लॉस होगा मोबाइल डाटा। और आज आप लोगों के कारण एकांश जाने के कगार पे है। अब तो एकांश मंडे टू फ्राइडे को भी नहीं आता डिस्कवरी किड्स पर, एकांश के बदले फुकरे बॉयज आता है। मैंने ये पहले भी कहा था पर मेरी बात कोई सुनते ही नहीं। अभी भी टाइम है, यूट्यूब से सारे मूवीज एंड एपिसोड अनलिस्ट या फिर डिलीट कर दो। और अगर ये आपको मजाक लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब एकांश बंद हो जाएगा ना तब उसके जिम्मेदार आप होंगे। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप चाहते हो कि एकांश बंद हो जाए, नहीं ना, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। और आप ये चीज़ दिमाग में डाल लेना, अगर एकांश एक बार बंद हो जाएगा ना तो कभी वापस नहीं आएगा। तो आगे से YouTube पर अपलोड मत करना, अगर ऐसा ही चलते रहे तो एकांश शो बंद भी हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप एकांश को ज़्यादा से ज़्यादा टीवी में देखो या फिर मोबाइल से लाइव ऐप पर। अगर आप रेगुलर वॉच करोगे तो चांस है न्यू मूवीज एंड सीजन आने का, वरना भूल जाओ। और क्या पता ये लोग सीजन 4 को टेलीकास्ट करने के बाद ही बंद कर दें। मुझे पता है आप सभी एकांश को पूरी तरह से सपोर्ट करोगे, एंड आई होप कि आपको ये पूरी मैटर समझ में आया। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को सीधा Q&A वीडियो पर। बाय बाय एंड टेक केयर।